दोस्तों, आज की वर्कशीट हमने ली है वर्ष 2020-21 के अंतर्गत कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन और माह है मार्च। तो आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि देखते हैं हम पहला प्रश्न पहले में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आप क्रिकेट खिलाड़ी, तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न शुरू कर लेते हैं। प्रश्न पहले में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ नंबर दिया है, आप अगर भारतीय क्रिकेट टीम के टीम लीडर बनेंगे तो अपनी टीम को आप कैसे तैयार करेंगे? तो इसका उत्तर हमने लिखा है, पहला दिया गया है खिलाड़ी भावना का विकास करेंगे और नियमों का पालन करेंगे। फिर बा नंबर आता है, अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति किसी जानवर को कैद कर परेशान करता हो तो उसे आप उसके बचाव के लिए आप क्या करेंगे? तो चूंकि कोई भी जानवर को कैद करके यदि परेशान करता है तो हम वन विभाग को सूचना देंगे और सामने वाले को भी समझाएंगे। उसके बाद फिर आता है प्रश्न तीसरा, सा नंबर, COVID-19 की स्थिति में आप लोगों की मदद कैसे पहुंचाएंगे? लोगों की सहायता करके हम मदद पहुंचाएंगे, यथासंभव हमसे जितना भी हो पाएगा लोगों को भोजन और पानी पिलाकर हम उनकी मदद करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे हम एक पॉइंट और, तथा लोगों को जागरूक करेंगे, जागरूक यहाँ पर लिख देते हैं करेंगे। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, देखेंगे अगला प्रश्न ये द नंबर, घर के बुजुर्गों से बात करके पुराने समय में उपयोग किए जाने वाले 4 बर्तनों के नाम। तो जैसे कि पुराने समय में तवेला यूज़ किया जाता था, कढ़ाई यूज़ की जाती थी, जो गांव में बोला जाता गगरा या गुंडी, और कांसे की थाली तथा मिट्टी के बर्तन भी यूज़ किए जाते थे। तो हम पाँचों नंबर लिख देंगे मिट्टी के बर्तन, लिख देंगे मिट्टी के बर्तन लिख देंगे हम, मिट्टी के बर्तन भी यूज़ किए जाते थे। फिर आता है, मुंह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में मदद मिलती है क्यों? क्योंकि उससे भाप निकलती है और भाप में नमी रहती है जिससे वह साफ हो जाता है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित के उत्तर से 2-3 वाक्य क्या दिया है? निम्नलिखित के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। सॉरी, प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। अगर आप एक ही तरह के बीज बोएं और एक ही तरह की फसल उगाएंगे तो क्या होगा? तो इसका उत्तर जाएगा, खेत की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। फिर आगे सेकंड नंबर, अगर आपको विद्यालय से घर जाने के लिए नक्शा बनाना है तो दरवाजा, सीढ़ी, बावड़ी, रोड के लिए कौन कौन से संकेत बनाएंगे? तो यहाँ पे देखेंगे, दरवाजा के लिए हम ऐसे संकेत बनाएंगे, सीढ़ियों के लिए ऐसे संकेत बनाएंगे, बावड़ी अर्थात कुआं के लिए ऐसे संकेत बनाएंगे, रोड के लिए ऐसे संकेत बनाएंगे। फिर आता है सारा नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सारणी को ध्यान से अवलोकन करिए और सोचकर सही उत्तर लिखिए। बताया गया है ईंधन में पेट्रोल और डीजल का रेट बताया गया है, 2017 में पेट्रोल का रेट था 74.86 पैसे और 2019 में हो गया 78.26 पैसे प्रति लीटर। फिर डीजल का रेट बताया गया है 53.97 रुपये लीटर और 67.56 रुपये लीटर। तो इसके अनुसार हमें फिर पहला प्रश्न देखना है, देखते हैं हम पहला प्रश्न देखेंगे किस ईंधन के मूल्य में अधिक वृद्धि हुई। तो हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे 74 रुपये था, ये 78 रुपये हो गया अर्थात 4 रुपये का अंतर आया है, और यहाँ पे 53 था ये तो 67 रुपये हो गया, तो लगभग
के बाद 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, लगभग 13 रुपये 14 रुपये का अंतर है। यहाँ पे 13-14 रुपये का अंतर है लगभग, है ना। तो इस डीजल ग्रेड में ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका उत्तर, किस ईंधन के मूल्य में अधिक वृद्धि हो रही है। तो इसका उत्तर जाएगा डीजल, यहाँ पे जाएगा डीजल ना। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, ईंधन की बचत के लिए हमें किन वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। तो ईंधन की बचत के लिए हमें किन वाहनों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें ईंधन कम खपत हो। अर्थात यहाँ पर हम यदि अब इस पे दो तीन प्रकार की बातें हैं, ईंधन की बचत के लिए हमें किन वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, ईंधन की बचत के लिए इसमें दो तीन प्रकार के प्रश्न हैं। अब चूंकि बैटरी वाली गाड़ियाँ आ गई हैं, बैटरी वाली कार भी आ गई हैं, तो यहाँ पे हम इसका उत्तर लिख सकते हैं जिसमें ईंधन कम खपत हो। अर्थात वहाँ पे डीजल भी आ सकता है और यहाँ पर बैटरी वाली गाड़ियाँ भी आ सकती हैं। तो यहाँ पर जो भी, तो अभी हमने यहाँ पे ये उत्तर लिख दिया है जिसमें ईंधन कम खपत हो, है ना। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न कमाने के बच्चे हैं वो बैटरी वाली गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, इसलिए उसमें बैटरी का उत्तर भी आ सकता है। अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नीचे दी गई चीज़ों से आवाज़ निकाल कर देखिए एवं लिखिए उनमें से किससे सीटी बजी किससे धीरे, किससे सीटी बजी किससे धीरे, आवाज़ की तेजी के क्रम को लिखिए। यहाँ पे देखेंगे पहला बताया गया है टॉफी की पन्नी से, पत्ते से, गुब्बारे से, थपेन के ढक्कन से। तो सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है गुब्बारे से, सबसे तेज आवाज आती है, तो यहाँ पे आ जाएगा गुब्बारे से। फिर सेकंड नंबर उत्तर आ जाएगा पेन के ढक्कन से, यहाँ पे लिख देंगे हम पेन के ढक्कन से। फिर तीसरा जाएगा टॉफी की पन्नी से, ये टॉफी की पन्नी से। फिर फोर्थ नंबर जाएगा, थर्ड नंबर आ जाएगा ये, फोर्थ नंबर आ जाएगा ये, ठीक। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए हम थोड़ी जल्दी जल्दी बता रहे हैं। फिर भरमार्था खाद्यान्न और व्यावसायिक फसलों की सूची बनाकर तालिका में लिखिए। तो खाद्यान्न फसल देखेंगे गेहूँ, धान, मक्का, राहर, मूंग, और व्यावसायिक फसल गन्ना, कपास, आलू और प्याज। आजकल गेहूँ, धान और मक्का ये सभी फसलें भी व्यावसायिक फसलों में आ गए हैं, लेकिन चूंकि लोग अभी भी इनको केवल खाने के लिए बोते हैं, बाकी ये जो फसलें हैं ये ज़्यादातर बिजनेस के लिए यूज़ की जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है सर नंबर, आप एक सार्वजनिक स्थान पर खड़े हैं और अचानक ज़मीन हिलने लगे तो आप अपने बचाव के लिए क्या करेंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम अपने बचाव के लिए खाली मैदान में पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़मीन हिलने लगती है अर्थात वहाँ पर भूकंप आने की संभावना है। भूकंप आ रहा है तभी ज़मीन इतनी ज़्यादा हिल रही है, और भूकंप से बचने के लिए कभी भी मैदानी स्थान पर जाना चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई बाउंड्री ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे मकान वगैरह गिरे तो कुछ धन धन की हानि हो। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 4, सोचिए और लिखिए कृषि कार्य आप करेंगे, आप कैसे करेंगे। निम्नलिखित को उचित क्रम में लिखो, सबसे पहले खेत जोतने का कार्य किया जाएगा, फिर बीज बोने का कार्य किया जाएगा, फिर फसल में सिंचाई का कार्य किया जाएगा, फिर फसल काटने का कार्य किया जाएगा, फिर थ्रेसिंग का कार्य किया जाएगा। इस तरीके से इनको क्रम में लिखना था। इसका उत्तर आ जाएगा, देखेंगे ये यहाँ पर लिखना था हमें, इसका उत्तर यहाँ पर लिखना था, तो हमने वहाँ पॉइंट बना दिया, आप देख कर लिख लेंगे। फिर बना नंबर आता है, चित्र देख कर पहचानेंगे और उनके बारे में दो वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर बताया गया है, देखेंगे सांची स्तूप, ये पहला चित्र है सांची स्तूप का, दूसरा जबलपुर का बंदर कूदनी, है ना। तो इसके बारे में हम लिखते हैं, तो इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे यह रायसेन जिले में है, रायसेन जिले में है, जिले में है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, तो फिर दूसरा आता है यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और इसका पहला पॉइंट हम लिखते हैं जबलपुर की बंदर कूदनी, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है, जबलपुर
जिले में स्थित है। फिर दूसरा नंबर आता है, यह नर्मदा नदी के किनारे है, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, सा नंबर, एक ग्लास में पानी लेकर दिए गए पदार्थों को पानी में घोलिए और अपने अवलोकन को तालिका में लिखिए। सबसे पहले पदार्थ को लिया गया, नमक को लिया गया, घुला या नहीं घुला, नमक घुल जाता है 2 से 3 मिनट रखने पर, घुलने के बाद नमक घुल गया, पानी थोड़ा धुंधला हो गया 2 से 3 मिनट के बाद, क्या हो गया, पानी थोड़ा धुंधला हो गया। फिर तेल नहीं घुलता है, ऊपर जम जाता है तेल। फिर मिट्टी घुल जाती है, पानी गंदा दिखाई देने लगता है 2 से 3 मिनट के बाद। और हल्दी नहीं घुलती है, पानी का रंग बदल जाता है। बस उसके बाद फिर आगे आता है, इतिहास के स्रोतों के नाम लिखिए जिनसे पुराने समय के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका उत्तर आ जाएगा महाभारत, रामचरितमानस एवं गीता। इससे हमारे पूर्वजों के बारे में पता चलता है और पुराने समय के लोगों के बारे में पता चलता है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे देखेंगे, सॉरी समझ आते हैं, इस तरीके से प्रश्न आता है, इस पैरा को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिकारी, पौधे, चूहे, मेंढक, ये आप इसको पढ़ लेंगे। इसमें पहला प्रश्न आता है, किस कारण से कीड़े पौधे के पास खींचे चले आते हैं। तो यहाँ पे जाएगा खुशबू के कारण, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये खुशबू के कारण। फिर आता है प्रश्न, शिकारी पौधे किन जीवों का शिकार करते हैं। यहाँ पे देखेंगे चूहे, मेंढक एवं कीड़े मकोड़े तथा छोटे जीव, जी कीड़े मकोड़े तथा, यहाँ लिख देंगे तथा छोटे जीव, छोटे जीवों का। फिर अगला प्रश्न आता है, शिकारी पौधे का आकार किसके जैसा है। तो इसका उत्तर जाएगा, इसका आकार बड़े घड़े जैसा होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लंबे घड़े जैसा होता है, यहाँ पे लंबे घड़े जैसा होता है। फिर अगला प्रश्न आता है, शिकारी पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका उत्तर मिल जाएगा मेघालय, क्योंकि तो उत्तर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, देखेंगे ये क्रमांक 6, नीचे दिए गए खनिज पदार्थों को बॉक्स में दिए गए संकेत के माध्यम से उनके जिले के नक्शे में दर्शाइए जहाँ ये पाए जाते हैं। तो जैसे देखेंगे हीरा, हमने ये हीरा, तांबा, लोहा, चूना पत्थर, कोयला और मैंगनीज, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है सतना, हीरा पाया जाता है सतना मझंगवा में जबलपुर जिले में, तांबा पाया जाता है बालाघाट एवं सागर में, लोहा पाया जाता है जबलपुर एवं मंडला में, चूना पत्थर पाया जाता है जबलपुर, सतना और कटनी में, कोयला सिंगरौली, शहडोल और उमरिया में, मैंगनीज बाला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और खरगोन में। तो इसको हमें यहाँ पर दर्शाना है, जैसे कि हमने दर्शाने की कोशिश किया है, आप देख पा रहे होंगे अभी यहाँ पर, क्योंकि संकेतों के आधार पर इस प्रकार का संकेत, जैसे कि हमने क्रॉस का निशान लगाया है, तो ये बालाघाट मंडला, बागसाइट मंडला, ये इस तरीके से, ये बहुत सारे हमने निशान लगाए हैं, देखेंगे बहुत सारे हमने निशान लगाए हैं, यहाँ पर भी लगाए हैं, ये इस तरीके से, तो आप इसे देख लेंगे वीडियो को पोस्ट करके। उसको फिर अगला प्रश्न आता है, मां नंबर, अगर आपको आभूषण बनाना है तो आप किस खनिज पदार्थों का उपयोग करेंगे। तो जैसे अंगूठी में हीरे का यूज़ किया जाता है, फिर अंगूठी में तांबे का भी यूज़ किया जाता है, हार, हार वगैरह के लिए सोने का यूज़ किया जाता है, और पायल के लिए चांदी का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार से उत्तर लिख लेंगे। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, आप अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों के साथ जंगल के बारे में चर्चा कीजिए, प्राप्त अनुभवों के आधार पर जानकारी एकत्र कीजिए और आवश्यकता अनुसार चित्र या पोस्टर लगाएं। तो यहाँ पे आप कोई सी भी पेपर की कटिंग यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, जंगल कहाँ स्थित है, गांव से दूर, फिर दूसरा आता है पौधों के अलावा जंगल में क्या होता है,
पिटाई करेंगे फिर। तो उत्तर देखते हैं जंगल कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर जाएगा जंगल गांव से बाहर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं गांव एवं शहर से बाहर, या बस्ती से बाहर भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आता है पेड़ों के अलावा जंगल में क्या क्या होता है, तो पेड़ों के अलावा देखेंगे यहाँ पे जंगली जानवर, लकड़ी, पक्षी, बंदर, और हम इसमें यदि और जानकारी लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं औषधि, औषधि लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं शांत माहौल लिख सकते हैं, शांत माहौल, शांत रहता है माहौल, बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं। फिर आगे जंगल में मिलने वाली वस्तुएं एवं उनके उपयोग, तो इमारती लकड़ी जो कि हमारे जलाने के काम आती है, जलाने के काम आती है, जलाने के काम आती है, और दरवाजे बनवाने के, दरवाजे वगैरह के, औषधि दवाई के रूप में, दवाई के रूप में, फल खाने के काम आते हैं, खाने के फल खाने के काम आते हैं, इस तरीके से। फिर आता है अगला क्वेश्चन जंगल में कौन कौन सी आदिवासी जातियां रहती हैं, तो इसका उत्तर जाएगा कोल, भील, भारिया, सहरिया, इस प्रकार की जातियां रहती हैं। फिर आता है अगला प्रश्न देखेंगे उनके आवास के बारे में पूछा गया है कि उनके आवास किस तरीके से रहते हैं, तो वो घास फूस की झोपड़ियों में रहते हैं, उनका भोजन कैसा है, मांस एवं कंदमूल खाते हैं, तथा उनकी जो वेशभूषा हुआ क्या है, पेड़ पौधों की छाल लपेटते हैं अर्थात पहनते हैं। अब तो बहुत कुछ सुधार हो गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर अभी भी उसी प्रकार के जीवन जी रहे हैं। फिर छठवां नंबर प्रश्न आता है विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के क्षेत्र, तो यहाँ पे जंगली जानवरों के क्षेत्र लगाना है। फिर आता है वनों की कटाई क्यों नहीं करना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं, वनों की कटाई इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। फिर आता है अगला प्रश्न जंगल के बारे में चर्चा करके आपको कैसा लगा, अच्छा लगा एवं बहुत सी जानकारियाँ मिली, लिखेंगे यहाँ पे बहुत सी जानकारी मिली, यहाँ पे लिख देंगे जानकारी मिली। फिर आता है जागरूकता लाने के लिए वन संरक्षण पर आप लोगों के क्या संदेश देंगे, तो यहाँ पे जागरूकता लाने के लिए हम लोगों को संदेश देंगे कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। फिर दूसरा पेड़ लगाने के लिए कोई एक स्लोगन लिखिए, हम सब ने यह ठाना है बहुत सारे वृक्ष लगाना है, ये अपना बनाया हुआ स्लोगन है। फिर आता है आप जंगल के बारे में जानकर किस निष्कर्ष पर पहुँचे, तो यहाँ पे निष्कर्ष में हम इस प्रकार के निष्कर्ष में पहुँचे हैं कि जंगल बहुत उपयोगी है, इसलिए जंगल को बचाना है, पेड़ पौधों को नहीं काटना है, बचाना है पेड़ पौधों को नहीं काटना है। पेड़ पौधों को काटने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है जो कि वन विभाग है, इस तरीके से फिर हम पेड़ पौधों को काट सकते हैं परमिशन लेने के बाद। दोस्तों इस तरीके से आपके लिए यह वीडियो कंप्लीट होता है, और चूंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के चित्र, तो हम आपको जंगली जानवरों के चित्र दिखाते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न आता है विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के चित्र, तो इस तरीके से जंगली जानवरों के चित्र में यह शेर, हाथी, चीता, ये भालू, ये हम जंगली मुर्गा बोल सकते हैं, और ये तेंदुआ, इस तरीके से बहुत से जानवर हैं जिनको हम चित्रों में लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार अपना यह प्रश्न पत्र कंप्लीट होता है, वर्कशीट कंप्लीट होता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और चैनल में दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Please like this video. Write a comment.
for suggestions. Don't forget to subscribe to the channel.